हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं, जहां हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी फिलहाल 34 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस 31 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया था, दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार हिमाचल प्रदेश जा रहे थे तथा आम आदमी पार्टी के नेता भी हिमाचल प्रदेश जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी शुरुआती रुझानों में एक भी सीटों पर बढ़त नहीं बना पाई है, यानी कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में खाता तक अभी तक नहीं खुला है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो निर्दलीय में 3 सीटों पर जो है उम्मीदवार, निर्दलीय के 3 उम्मीदवार जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आज यानी 8 दिसंबर को घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी लगातार 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए तो वहीं कांग्रेस 31 सीटों पर। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़ जा रही है और बीजेपी थोड़ा पीछे आ जा रही है, यानी कि नेक टू नेक फाइट यहां पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे में आपको बता दूं कि लगातार घोषित किए जा रहे हैं, 68 विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है यहां पर घोषित हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी 34 सीटों पर जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 31 सीटों पर। लगातार जिस प्रकार का जो एग्जिट पोल सामने आया था उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं। देखना यह होगा कि जब चुनाव नतीजे अंतिम आएंगे तो किस प्रकार का हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनाव परिणाम रहता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही उत्साह का माहौल है और लगातार टीवी स्क्रीन पर जो है वो नजरें गड़ी हुई है कि हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि लगातार आप साउथ ब्लॉक डिजिटल पर बने रहे, हम हिमाचल और गुजरात दोनों विधानसभा चुनावों के नतीजे जो है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।